सब्सक्राइब कीजिए जेदी ब्लॉगर एंड एजुकेशन चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हेलो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के पार्ट थर्ड से। बीएससी फर्स्ट ईयर के पार्ट थर्ड के लिए मैंने बताया था कि दो प्रैक्टिकल है, एक है श्यानता और दूसरा है प्रश्नताल। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए 75 मार्क का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है और 5 घंटे का टाइम मिलता है। अब श्यानता का प्रैक्टिकल पहले हमने यूट्यूब पे डाल दिया। अब बात करते हैं प्रश्न तनाव की। यह थर्ड पार्ट है जो कि फिजिकल एक्सपेरिमेंट या भौतिक रसायन से संबंधित है, जिसमें दो प्रैक्टिकल है, एक है प्रश्न तनाव और दूसरा है श्यानता। अब प्रश्न तनाव नंबर एक, उद्देश्य। इस प्रश्न तनाव के प्रैक्टिकल का क्या उद्देश्य है? दिए गए दरों का प्रश्न तनाव जल की सहायता से टार्डवे के बिंदु मापी की सहायता से ज्ञात करना। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि हम जब प्रश्न तनाव ज्ञात करते हैं तो कौन सा उपकरण यूज लेते हैं? तो हम आंसर बता सकते हैं कि टार्डवे का बिंदु मापी। और दूसरा क्वेश्चन है कि प्रश्न तनाव क्या है? प्रश्न तनाव अर्थात द्रव की सतह पर प्रति सेंटीमीटर लंबाई में अभिलंब की दिशा में लगने वाले बल को हम प्रश्न तनाव कहते हैं। फिर नंबर दो, उपकरण। इसमें बीकर, द्रव और टार्डवे का बिंदु मापी तीन उपकरण यूज में आते हैं। फिर सिद्धांत, इसका सिद्धांत है, सिद्धांत में ये फॉर्मूला है, गामा वन अपॉन गामा टू बराबर डी वन अपॉन डी टू इंटू एन टू अपॉन एन वन गामा टू। गामा वन जो कि किसी दरों का प्रश्न तनाव ज्ञात होगा और गामा टू का ज्ञात करना पड़ेगा। गामा टू बराबर गामा वन इंटू डी टू अपॉन डी वन इंटू एन वन अपॉन एन टू। इसकी इकाई होती है प्रश्न तनाव की डाइन पर सेंटीमीटर। और श्यानता की इकाई थी पॉइज या सेमी पॉइज, कंफ्यूज नहीं हुए, इसकी इकाई है डाइन पर सेंटीमीटर और श्यानता की इकाई है पॉइज या सेमी पॉइज, जहाँ पर इस फॉर्मूले में एन वन और एन टू बूंदों की संख्या है और डी टू अपॉन डी वन दरों का अपेक्षित घनत्व है। इस प्रश्न तनाव को सिंबल है गामा, जो कि एक यूनानी अक्षर का प्रतीक है, इस गामा से दर्शाते हैं। फिर प्रेक्षण सारणी, इसमें परीक्षण सारणी उसमें था समय नोट करते थे और प्रश्न तनाव और श्यानता के प्रैक्टिकल के सारणी में केवल इतना ही अंतर है, उस सारणी में समय नोट करते थे और प्रश्न तनाव की सारणी में बूंदों की संख्या ज्ञात करेंगे। अब क्रम संख्या, बूंदों की संख्या जब पानी हो, हमने यहाँ पे लिखा है कि दरों का जल की सहायता और दरों यहाँ पर दो विलयन उपयोग में होंगे, तो बूंदों की संख्या जब पानी हो और इसका माध्य ज्ञात करेंगे, फिर बूंदें जो कि माध्य में आंसर आएगा वो बूंदों के आएगा, इसका कोई प्रतीक नहीं है। फिर वापस क्रम संख्या, दूसरी सारणी, बूंदों की संख्या जब द्रव हो और माध्य बूंदें, इसमें एक और सारणी आएगी क्योंकि मैंने बताया था कि श्यानता और प्रश्न तनाव के प्रैक्टिकल में एक माइनर प्रैक्टिकल है और एक मेजर प्रैक्टिकल है। अब मैं बताता हूँ आगे मेजर सारणी। तो इस प्रैक्टिकल की मेजर सारणी है कि प्रतिशत संघटन ज्ञात करने की, क्रम संख्या, कंपोजिशन ऑफ गिवन लिक्विड, दिए गए दरों का प्रतिशत संघटन, बूंदे दरों की फर्स्ट सेकंड थर्ड और माध्य, माध्य जो कि बूंदों में आएगा। फिर नॉट लगाया हुआ है, जो पहले हमने सारणी बनाई उसमें बूंदों की संख्या सामान्यतया 15 से 20 के मध्य आती है। अब जो परीक्षण लेते हैं अपेक्षित दरों का घनत्व ज्ञात करने के लिए, वो दरों का आर डी बोतल का भार डब्ल्यू वन जो कि ग्राम में आएगा, फिर आर डी बोतल प्लस एच टू ओ का भार जो कि डब्ल्यू टू में आएगा। इसी प्रकार 10%, 20%, 30%, 40% तीन चार रीडिंग लेते हैं, जिसमें डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू, डब्ल्यू थ्री, डब्ल्यू फोर निकालते हैं। फिर गणना, दरों का अपेक्षित घनत्व बराबर डी टू अपॉन डी वन बराबर डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू वन, डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन, जो गामा टू बराबर डी टू अपॉन डी वन इंटू एन वन अपॉन एन टू इंटू गामा वन, यहाँ पर गामा वन जो कि प्रश्न तनाव दिया हुआ होगा और डी टू अपॉन डी वन जो कि इस से ज्ञात करेंगे और एन वन अपॉन एन टू जो कि बूंदे हम सारणी से ज्ञात करेंगे। फिर परिणाम, दिए गए दरों का प्रश्न तनाव खाली जिज्ञा डाइन पर सेंटीमीटर जो आंसर आएगा वो लिखेंगे हम। यहाँ पर प्रश्न तनाव तीन चार रीडिंग के लिए निकालेंगे, फिर उसका माध्य ज्ञात करेंगे। फिर अब बताता हूँ कि विधि, इस प्रैक्टिकल की क्या विधि है, इसमें किस विधि से हम ये आंसर निकालते हैं। तो इस विधि के लिए हम टार्डवे का बिंदु मापी यूज लेते हैं। ये टार्डवे का बिंदु मापी है, ये इस प्रकार का बना होता है। सर्वप्रथम इसे क्रोमिक एसिड जो कि K2Cr2O7 व कंसंट्रेशन या सांद्र H2SO4 का बना होता है, उससे इस उपकरण को धोएं।
फिर जल या द्रव को इतना भरें कि ए से ऊपर तक जाएं, फिर ऊपर हाथ रखें, इस ए से यहाँ तक द्रव को भर दें और फिर इसके ऊपर हाथ रख दें, जिस प्रकार आप पीपेट भरते हैं उसके ऊपर हाथ रखते हैं, फिर इसको स्टैंड पर रख दें और धीरे धीरे बूंदे गिनने दें। जब बूंदें यहाँ तक विलीन आ जाता है ए तक, तो स्टॉप वॉच शुरू कर दें या बूंदे गिननी शुरू कर दें। सॉरी, उस प्रैक्टिकल पिछले में हम स्टॉप वॉच शुरू करके टाइम नोट करते थे, लेकिन इसमें बूंदे गिननी है। फिर यहाँ ए से विलियन बी तक आए तब तक कितनी बूंदे गिरती है वो हम रीडिंग में लिखते हैं। ए से बी तक बूंदे गिरने पर गिने और ऐसी तीन रीडिंग लें, फिर इनका माध्य निकालें और द्रव का अपेक्षित घनत्व जो कि आर डी बोतल या द्रव का अपेक्षित घनत्व बोतल से ज्ञात करते हैं, जो ये मैंने पहले भी बता दिया। थैंक यू। ये था हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का एक पार्ट जो कि फिजिकल एक्सपेरिमेंट से संबंधित है। देखते रहिए जेजी व्लॉगर एंड एजुकेशन, जिस पर अगला प्रैक्टिकल आएगा जो कि आयतनी विश्लेषण अर्थात अनुमापन से संबंधित होगा, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए पार्ट सेकंड है। थैंक यू वेरी मच।